अस्सलाम वालेकुम मैम हमशहज़ाद, आप देख रहे हैं कुक ट्यूटोरियल। आज हम बना रहे हैं मिर्च पकोड़ा, जिसके लिए हमने लिए हैं आलू, हरी मिर्चें बड़े साइज़ की, इमली का पल्प, बेसन, लहसुन अदरक का पेस्ट। मसालों में हमने लिए हैं नमक, काली मिर्चें, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर और पिसी लाल मिर्च। पहले हम बेसन को फेंट लेंगे, बेसन डालेंगे प्याले में, और जो मसाले हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे, तो आप उसमें चेक कर लीजिएगा। बेसन में पहले हम सारे मसाले अच्छे से मिक्स करके देन फिर इसमें पानी डालेंगे। पानी हमने एक कप लिया था, लेकिन उसमें से 1/4 कप ही पानी डाला था। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, क्योंकि हमें ना बेसन बहुत ज़्यादा थिक रखना है ना ही बहुत ज़्यादा पतला कर देना है, इस वजह से हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। यह हमारा बेसन अच्छे से फिट चुका है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अब हम इसको 10-15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। हमने आलू ले लिए हैं, अब हम उसको अच्छे से मैश कर लेंगे। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे और इमली का पल्प ऐड कर देंगे, और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से आलू मैश भी हो गए हैं और इसमें सारी चीज़ें मिक्स भी हो गई हैं। अब हम हरी मिर्च काटेंगे और उसमें आलू भरेंगे। अब हम इसके बीज निकालेंगे, चमचे की जो पीछे वाली साइड होती है उससे बीज बिल्कुल आराम से निकल जाते हैं, तो उसी से हमने बीज निकाले हैं सारे। हरी मिर्च से सारे बीज हमने निकाल दिए हैं, अब हम इसके अंदर आलू भरेंगे। अब हम इसी तरीके से अपनी बाकी की हरी मिर्चें भी भरेंगे। मैं आपको एक और हरी मिर्च भर के दिखा देती हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो। हमने सारी हरी मिर्चों को भर लिया था, अब हम इसको फ्राई करेंगे। हमने गिलास के अंदर बेसन को डाल दिया था, इससे हरी मिर्चों पर बेसन लगाने में आसानी होती है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये हमारी हरी मिर्चें फ्राई हो चुकी हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। हम इस तरीके से अपनी बाकी सारी हरी मिर्चों को भी फ्राई कर लेंगे। ये हमने अपनी हरी मिर्चों को निकाल लिया था और हमने इसको चटनी के साथ सर्व करा है। वीडियो पसंद आए तो मस्ट लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का आपको पता चलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।